फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। स्वागत है आपका नए व्लॉग में। ये व्लॉग उस दिन का जिस दिन मैंने अपने लिए पहला ड्रोन खरीदा था दिल्ली से सस्ते में। हाँ जी, दिल्ली में गर्मी एक नंबर है, यहाँ के लोग दो नंबर, और हमें भी जाना तीन नंबर करने। मतलब मुझे ड्रोन खरीदना, मैंने तुम्हें बहुत पहले बताया था, अभी ड्रोन लेने जाना है मुझे इधर ही ऊंचा मार्केट, ऊंचा चौधरी मार्केट से। और कल गए थे एक्चुअली हम ड्रोन लेने, लेकिन कल था मार्केट बंद, कल था संडे, तो हमें पता नहीं था शॉप बंद थी। तो अभी हम जाएंगे कूचा चौधरी मार्केट, चलो फिर। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अगर तुम बैटिंग में इंटरेस्टेड हो तो 1xBet तुम्हारे लिए एकदम बेस्ट है। एक जीवन, एक नियम, एक मैच, एक उद्देश्य, एक कार्यवाही, एक मौका, 1xBet। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को फॉलो कर अपने फर्स्ट डिपॉजिट पर $100 का बोनस पाए। बस इतना बताना था, हो गया मेरा। मैं जा रहा हूं, तुम व्लॉग देखो। बड़ा ही जाम है भैया दिल्ली में, यहाँ तो रोड क्रॉस करने में गंदी फट जाती है। हेलमेट पहन के चलाया करो भैया गाड़ी, नहीं तो चलान कट जाएगा। जैसे पीछे भैया का घंटा भी क्या कह रहा, क्या कौन रहा खुद तो साले बिना हेलमेट पहन के कार चलाता है तू। सही लग रहा एकदम, ढाई सौ का दिया अंकल ने, मस्त एकदम अंकल काम दे। खाली कर दे बेटा, ये खाली कर दे। बढ़िया लग रहा ना भैया? अच्छा लग रहा है भाई, अच्छा लग रहा है अंकल, बहुत बढ़िया लग रहा है। शुक्रिया अंकल जी। जल्दी से तो हम आ चुके भाई ड्रोन लेने, मंगा रहे भैया, फिर लेंगे फिर जाएंगे। और मेरी हालत बड़ी ख़राब हो रही थी, गर्मी बहुत है दिल्ली में, मुझे आदत नहीं है, लेकिन मज़ा आ रहा है घूमने का पूरा। बंद कर ले अब, चलता रहने लगने चाहिए ना तब। हाँ तो भैया, अपना नया ड्रोन और होटल से सामान लेने के बाद मैं चल दिया सीधे अपने घर की तरफ। और मैं दिल्ली करीब 5 दिन रुका हूँ, और इन 5 दिनों में मैंने काफ़ी कुछ किया, और जो उनमें से सबसे ज़्यादा किया है वो है शॉपिंग, काफ़ी कुछ खरीदा है। और अभी दिल्ली को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना मेरे से। अभी भाई ड्रोन और गिम्बल लेने के बाद नहीं बचे मेरे अकाउंट में बिल्कुल भी पैसे, अकाउंट खाली भाई इस टाइम पूरा। अभी तो पीछे आया था, कब आया था तू? हो गए होंगे 3 महीने 4 महीने हो गए होंगे। उसमें भी तो कुत्ता काट के गया था यहाँ से, तब पीसी लेके गया था, पीसी लेके गए थे, अभी ड्रोन और गिम्बल ले लिया। हाँ तो भैया दिल्ली से हम जा रहे हैं अपने घर काशीपुर, बस से जाऊंगा मैं क्योंकि मेरे पास सामान बहुत सारा है, बहुत ही सारा है। जो उसने टांग रखा वो भी मेरा है, और जो मैंने टांग रखा वो तो मेरा है ही। मैं बस आया था एक बैग लेके, ये वाला जो उसने पीछे टांग रखा है, बाकी सारे बैग और सारा सामान यहीं से लिए गया है। जिसने मैं मेन दिल्ली आया था वो है गिम्बल लेने और ड्रोन लेने, जो पिछले बैग में रखा है। अब मैं जाऊंगा घर, घर चल के करनी है जो भी करनी है बातें। मुरादाबाद रामनगर काशीपुर, मुरादाबाद रामनगर काशीपुर। क्या हो गया भैया बताओ? मैं कह रहा हूँ 2 सीट ले लेता हूँ ना मैं, एक पे सामान रख लूँगा, एक पे बैठ जाऊँगा। चल ठीक है, चल के फ़ोन करूँगा मैं तुझे, बाय बाय। हाँ तो भैया मैं एकदम आराम से बैठ गया हूँ, मेरा सामान एकदम आराम से रखा गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस दिक्कत तो एक छोटी सी, मैं बहुत ज़्यादा थक रखा हूँ, और मुझे कम से कम 4-5 घंटे सोना नहीं है क्योंकि मेरे पास बड़ा सारा सामान है महंगा महंगा। और ये पीछे वाला ऐसा देख रहा है जैसे अभी मेरा सामान लेके भागेगा, नहीं
मजाक कर रहा हूँ, वो कैमरा देख रहा है एक्चुअली। भाई तुम्हारा भाई तो थोड़े टाइम बाद इस होने वाला था, लेकिन शुक्र है क्रिमिनल जस्टिस वालों का, बड़ी सही सीरीज बनाई है, कब रास्ता निकल गया पता ही नहीं लगा। इधर मेरा सामान बच गया और उधर आदित्य भाई लायक भाई से बच गए। सर आपका नाम? लायक। लायक तालुकदार। ये तो भैया ये हमारा नया ड्रोन और ये हमारी दोनों किडनी, सही सलामत ठीक है। कई हजार करोड़ साल इंतजार करने के बाद हमने फाइनली ड्रोन खरीद लिया है। और जैसे कि मैंने अपने पहले व्लॉग में बताया था कि एक महंगा ड्रोन है जो एक सस्ता ड्रोन है जो मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन ये महंगा वाला है DJI Mavic Pro 2। पहले तो मैं इसको साइड में रख दूं फिर बात करते हैं। गिर गया तो भैया सब में मर जाऊंगा मैं, महंगा है बहुत। तो देखो जो अमेजोन पे ये ड्रोन है उसका प्राइस है 1,80,000 और हमने जो ये खरीदा है लोकल मार्केट से, कूचा चौधरी मार्केट से दिल्ली के, वो खरीदा है 1,35,000 ठीक है। और मैं धीरे इसलिए बोला सिर्फ मम्मी ना सुन ले, क्योंकि मैंने सस्ता बताया घर पे पता लग गया ना कि इतने का है, उड़ाने नहीं देंगे मुझे बिल्कुल भी नहीं, कहीं छुपा के रख देंगे। लेकिन बस दिक्कत यह है ना तो इसकी कोई वारंटी है ना इसका कोई बिल है, शायद ऑनलाइन लेते तो मिलता मुझे पता नहीं है, लेकिन वहां से सस्ता मिला तो इसका बिल वगैरह कुछ नहीं। और जितनी भी सारी पेमेंट थी वो सारी हमें कैश में देनी थी, तो ये भी एक छोटी सी परेशानी थी, कैश अरेंज करने में काफी दिक्कत हुई थी। हो गया ऑन, जल गई लाइट, रात में बड़ी सेक्सी लगती है इसकी लाइट जलते हुए जब ये उड़ता है ना। देखो ये है मेरा GoPro और मैं इसे प्यार से छोटा शेर कहता हूँ, मतलब ये मेरा छोटा शेर है। और ये है मेरा ड्रोन, लेकिन हम इसे ड्रोन नहीं कहेंगे, हम इसको कोई नाम देंगे जो कि मैंने तो सोच लिया ऑलरेडी। तुम गेस करोगे मैं इसका क्या नाम रखूंगा, कमेंट में बताओ। रात में उड़ते हुए जलती है इसकी लाइटें, थोड़ी सेक्सी लगती है, ये देखो अभी चमक रही है, तो मैंने इसका नाम कुछ ऐसे ही सिमिलर रखा है। अगले व्लॉग में बताऊंगा, तुम अभी बताओ गेस करके क्या रखा होगा। गर्मी में पंखे का काम करता है, जब लाइट भागे दिन में डालना जाता हूँ तो इसे चला लेता हूँ, हवा देता है ठंडी ठंडी एकदम। और मैं पहले से RC टॉय से बहुत ज्यादा खेलता हूँ तो मुझे पता है सब कुछ कैसे हैंडल होता है, लेकिन फिर भी इसको बहुत देख देख के चलाना पड़ता है। तो अभी तो हम इसको उड़ाने नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैंने अभी उड़ाया था पीछे, तो तुम वो सारी फुटेज देख लो और व्लॉग इधर ही खत्म करते हैं। और जल्दी मिलेंगे तुम अगले व्लॉग में, अगला व्लॉग जल्दी आएगा जिसमें हम इसे उड़ाएंगे, एकदम कांडी सी वीडियो बनाएंगे ठीक है, कांडी मतलब एक नंबर तगड़ी सी। बाय टाटा, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। पकड़ियो दिखाओ तुझे क्या लाया हो। खजाना खजाना। फक कैमरा घुमा दिया। अरे सही है, उड़ाएंगे अभी, कहीं नहीं बताया मैंने भी स्टोरी भी डाली इंस्टाग्राम पे। ये तो खतरनाक है, खतरनाक चीज है ना। सीख तो लिया यार मैंने, मतलब कैसे कैसे चलाना है, उड़ाएंगे ही पहली बार इसे। पहली बार नहीं, मैंने थोड़ा सा छत पे उड़ाया था अपनी, थोड़ी सी ऊपर, लेकिन अभी ज़्यादा ऊपर पहली बार उड़ाएंगे। देखो यार इस सीन में मैं सैड म्यूजिक लगा के तुम्हें इमोशनल कर सकता हूँ कि मैंने ये ड्रोन खरीदने के लिए बहुत मेहनत किया ये वो सो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि महंगा ड्रोन महंगा कैमरा ये सब मैटर नहीं करता है, अगर तुम कंटेंट बनाना चाहते हो तो मेन है भाई तुम्हारा कंटेंट, ये सब बस तुम्हारा जो वीडियो है वो थोड़ा सा पुश कर सकता है आगे, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा सकता है, लेकिन असली जो क्वालिटी है वो तुम्हारी कंटेंट की है। तो अपने कंटेंट पे गौर दो, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखना। बाबा लगी मजा आ रहा, नीचे लाता हूँ ज्यादा ऊपर चला गया। सुनियो मुझे भी उड़ाना ये प्लेन। नहीं नहीं नोबिता तुम नहीं उड़ा सकते, इसको सिर्फ जियान, वो क्या नाम है उसका मोटे वाले का, सुनियो नहीं मैं हाँ सुनियो तो वो है पतला, मैं जियान उड़ा सकता है इसको सिर्फ।